अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये आज आपका लेक्चर है जिसमें हमने कल जो था वो मैसेज प्रोसेसिंग तकनीक को देखा था। आज हम जो है वो पढ़ेंगे, मैंने कल आपको बताया था हाइपर क्यूब वगैरह में 3 डायमेंशनल है और मैश वगैरह में जो है वो 2 डायमेंशनल वे के काम करते हैं। ठीक है, उसी की फर्दर पार्ट्स है, ये उसी का ही। इसमें जी आपका क्रॉस बार स्विच, क्रॉस बार स्विच क्या चीज़ है? दी क्रॉस बार स्विच प्रोवाइड्स एग्जॉस्टिव कनेक्शन यूजिंग वन स्विच फॉर ईच कनेक्शन। मतलब कि एग्जॉस्टिव कनेक्शन है वो हर एक स्विच को दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए जरूरी। ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे के साथ आपस में रिलेटेड है। अगर आप ये देखें तो इस वाले नेटवर्क को इस वाले नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया गया तो दिस इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव कनेक्शन। सो ये कनेक्शन है उसको बाउंड कर देगा तुमने इसके साथ कनेक्ट होना, ये वाला कनेक्शन है उसको बाउंड कर देगा तुमने इसके साथ कनेक्ट होना। ये आपस में तो थे ही, ठीक है। ये जो आपका एक्चुअली बॉक्स यहाँ तक है, फिर ये दूसरा है, फिर ये तीसरा है, तो ये मल्टीपल स्विचेस क्रॉस स्विचेस है, ठीक है। यहाँ पे 3 4 डायमेंशनल हाइपर क्यूब है ये। सो मल्टीपल 3 क्यूब्स को जब इन्हांस करते हैं हम इस तरह कनेक्ट करते हैं फर्दर अगले के साथ, और जो आपका ये वाला कनेक्शन है इसको इसके साथ जोड़ दिया, इसको इसके साथ जोड़ दिया, इसको इसके साथ जोड़ दिया। तो ये जो कंसेप्ट होता है ये क्रॉस स्विचिंग होती है, ठीक है। जैसे कि आप स्विचेज वगैरह का नेटवर्क लेते हैं, एक्चुअली हमें वायर सिस्टम है उसको एक डायग्रामेटिक फॉर्म के अंदर बना के आपको रिप्रेजेंट किया गया। इट एम्प्लॉयज इन शेयर्ड मेमरी सिस्टम मोर सो देन इनिशियल मेमोरी। जो सिस्टम है ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं बिकॉज एक ही प्रोसेसर है तो उसके अंदर शेयर मेमोरी भी तो ज़्यादा यूज़ होगी, इतने सारे क्रॉस बार स्विचेस यूज हुए हैं। अब अगर मोर इन्हांस किया जाए आसानी के लिए तो वो इस तरह का लिंक होता है, ये आपकी मेमोरीज हैं, मतलब कि आपकी रैम वगैरह हो सकती हैं, ठीक है। मेमोरीज वो भी चीज़ होती है, और ये आपके प्रोसेसर्स हैं, यहाँ से मेमोरीज अटैच हैं, यहाँ से प्रोसेसर्स अटैच हैं। यहाँ पे मतलब कि ये मेमोरीज को डिवाइड किया गया है, ठीक है। शेयर्ड मेमोरी है और प्रोसेसर भी मल्टीपल हैं तो वो शेयर्ड मेमोरी के कॉन्सेप्ट के साथ काम कर रहे हैं। ये मल्टीपल स्विचेस हैं जो कि आपका एक 4 डायमेंशनल क्यू के साथ काम कर रहा है, बाकी ये प्रोसेसर्स हैं, मेमोरीज हैं। तो एक्चुअली अगर इस वाली डायग्राम को ज़्यादा ओपन करके दिखाया जाए तो ये 4 डायमेंशनल हाइपर क्यूब को इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। 3 डायमेंशनल भी आपने देख लिया था वो सिंपल था, ठीक है। जो मेमोरीज का है वो ऐसे काम करता है, सॉरी क्रॉस बार स्विच का डिफरेंट मेमोरीज हैं, ये आपके स्विचेस लगे हुए हैं, डिफरेंट प्रोसेसर्स हैं। मतलब कि डिफरेंट प्रोसेसर्स कैसे, वो डिफरेंट प्रोसेसर्स आपके कंप्यूटर सिस्टम्स हैं जो कि कनेक्टेड हैं आपके कंप्यूटर नेटवर्क के साथ। फॉर मैसेज पासिंग सिस्टम, फॉर कनेक्शन प्रोसेसर, फॉर मेमोरीज। जो मैसेज पासिंग सिस्टम है फॉर कनेक्टिंग प्रोसेसेस टू मेमोरी। सो आपके यहाँ पे मैसेज पासिंग सिस्टम है वो कनेक्ट हो रहा है प्रोसेसर टू मेमोरीज, ऐसे ही है। जो प्रोसेसर्स है स्विचेस अटैच हुए किसके साथ, आपकी मेमोरी के साथ। दी लेआउट ऑफ द क्रॉस बार स्विच इज शोन इन फिगर 1.12, जो भी आपने ऊपर देख लिया है ये आपका क्रॉस बार लेआउट है। देयर आर सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ सिस्टम यूजिंग क्रॉस बार स्विचेज एट सम लेवल विद द सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, स्पेशली वेरी हाई परफॉर्मेंस सिस्टम है, जब वहाँ जहाँ पे आपका क्रॉस बार है वहाँ पे स्पेशली आपका वेरी हाई एक परफॉर्मेंस सिस्टम जो है वो यूज होगा। वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स बिल्ड अ वेरी इजिली क्रॉस बार स्विच मल्टीपल माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम इन 1970s, ठीक है। 1970s में मतलब के बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने बिल्ड किया था क्रॉस बार स्विच के मल्टीपल प्रोसेसर सिस्टम के साथ कैसे काम किया जाता है। सो हमने मैश को देख लिया, हमने हाइपर क्यूब को देख लिया, हमने उसके बाद आपका जो ये वाला क्रॉस बार स्विच है उसको देखा कि 4 डायमेंशनल है। ट्री नेटवर्क की बात करते हैं। ट्री नेटवर्क में क्या है, एन अदर स्विच कन्फिग्रेशन इज टू यूज अ बाइनरी ट्री। आपका जो ट्री नेटवर्क है, एन अदर स्विच कन्फिग्रेशन इज टू यूज अ बाइनरी ट्री। जो आपका ये स्विच कन्फिग्रेशन होती है, आपकी स्विचिंग होती है, ठीक है, स्विच डिवाइस है उसका जो हम यूज करते हैं वो बाइनरी ट्री होता है, शोन इन फिगर, नीचे वाली फिगर में शो हो रहा होगा। ईच स्विच इन द ट्री हैज टू लिंक्स कनेक्टेड टू स्विचेस बिलो। जो हर स्विच है इस ट्री के अंदर टू लिंक्स के साथ कनेक्टेड है, टू स्विचेस बिलो, ठीक है। टू स्विचेस होंगे नीचे, नेटवर्क फैंस आउट फ्रॉम द रूट, ठीक है। अभी हम इसको डायग्राम में देखते हैं। द पार्टिकुलर ट्री इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री बिकॉज एवरी लेवल इज फुली ऑक्यूपाइड। सो आपका जो पार्शली पार्टिकुलर ट्री है वो कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है बिकॉज हर जो लेवल है उसका ऑक्यूपाइड होता है, वो फुलफिल होता है। द हाइट ऑफ अ ट्री इज अ नंबर ऑफ लिंक्स फ्रॉम द रूट टू द लोएस्ट लीव्स। सो जो आपके हाईएस्ट ट्री नंबर होता है, जो उसको हम कहते हैं लोएस्ट लीव्स,
ठीक है, उसके पास आप, वो आपका रूट होता है। जैसे हम ट्री स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये एक मेन है, उसके बाद ये नीचे इस तरह इसके टू चाइल्ड हैं, ठीक है। तो ये ट्री आपका एक्चुअली क्या होता है, बाइनरी ट्री होता है। बाकी एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्री स्ट्रक्चर इज द हाइट इज लॉगरिथमिक, देयर आर लॉग टू प्रोसेस। ये आपको ऊपर भी मैंने फार्मूला बताया था कि हमने अगर प्रोसेसेस की लॉगरिथम टोटल फाइंड आउट करनी है कि कितनी उसके ट्री के स्ट्रक्चर में आपके प्रोसेसर यूज हो रहे हैं, लेवल्स ऑफ स्विचेस विद द प्रोसेसर एट लीव्स। ट्री स्ट्रक्चर है, अब इसको देख लेते हैं। हाँ जी, ये आपका ट्री स्ट्रक्चर है, रूट होती है ना आपके, मेन रूट होती है, उसके बाद ये डिफरेंट लिंक्स होते हैं। अब इस लिंक के फर्दर आगे चाइल्ड्स हैं, इस चाइल्ड के फर्दर आगे चाइल्ड्स हैं, तो यहाँ पे ये रूट बन गई फिर ये, क्योंकि अब इसके चाइल्ड्स हैं ना, लेकिन इसका जो मेन रूट है वो एक ही रहना है, जैसे कि आपका मास्टर प्रोसेसर होता है। यहाँ पे आपके वो आपके लिंक्स हैं, ये आपके स्विचेज एलिमेंट्स हैं, ठीक है। डिफरेंट लिंक्स है जो आपकी इस बार को, ये जो आपका एरोज हैं, ठीक है, एरोज लाइन शो हो रही है, ये आपके लिंक्स हैं, ये लिंक्स हैं, ये लिंक्स हैं, जो भी लाइन है लगी हुई वो लिंक्स है, जो ये इस तरह बॉक्सेस बने हुए हैं, ये आपके स्विचेस हैं, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है, ये आपके एंड पे, एंड लेवल पे आपके प्रोसेसर्स लगे हुए हैं, ठीक है, जो कि आपने डिफरेंट पीसीज कनेक्ट किए हैं डिफरेंट स्विचेस के साथ, और स्विचेस से ऊपर आपकी है मेन रूट। सो ये है आपका इसका स्ट्रक्चर, ट्री स्ट्रक्चर। ओके, मल्टी स्टेज इंटरकनेक्शन नेटवर्क क्या होता है? द मल्टी स्टेज इंटरकनेक्शन नेटवर्क MIN इज अ क्लासिफिकेशन ओवरकमिंग अ मल्टीट्यूड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन विद द कॉमन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैविंग अ नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ स्विचेस। हाँ जी भाई, मल्टी स्टेज इंटरकनेक्शन नेटवर्क ने जो मल्टी लेवल्स हमें स्विचेस लगाने पड़ते हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन को ओवरकम किया है, ठीक है, इसे हम कहते हैं मल्टी स्टेज इंटरकनेक्शन नेटवर्क, MIN। Switches in one level are connected to switches in adjacent. ठीक है, adjacent होता है एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ। Adjacent level in a various symmetrical way such that a path can made from one side to of the network to the other side and back sometimes. So एक साइड से दूसरी साइड के साथ symmetrically way के साथ, symmetric होता है एक flow के अंदर काम करना, उसके साथ अटैच हो सकता है, या फिर back, sometimes backward भी उसके साथ relate होता है, जैसे हमने वो उसमें देखा था opposite अटैच होता है टू डायमेंशनल में। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो इंटरकनेक्शन है इज अ ओमेगा नेटवर्क शोन इन 1.148 इनपुट्स एंड आउटपुट। सो हम इसको देख लेते हैं कि ये जो आपका मल्टी स्टेज है वो कैसे काम करता है, मल्टी स्टेज नेटवर्क कैसे काम करता है। लाइक यहाँ पे लिखा थी दिस नेटवर्क हैज अ वेरी सिंपल रूटीन एल्गोरिथम यूजिंग द डेस्टिनेशन एड्रेस, इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर गिवन एड्रेसेस एज शोन इन फिगर। वही आपके जो 1.14 है जिसको रेफर किया है इन्होंने। ईच स्विच सेल रिक्वायर्स वन कंट्रोल सिग्नल टू सेलेक्ट आइदर द अपर आउटपुट और द लोअर आउटपुट जीरो। अपर आउटपुट वन होगी, लोअर आउटपुट जीरो होगी। स्पेसिफाइंग द अपर आउटपुट इज वन, ठीक है, मैंने अभी बता दिया आपको अपर आउटपुट जो है वो वन है, और स्पेसिफाइंग द लोअर आपकी जो है वो आपने स्पेसिफाई करनी है वो जीरो होगी। So significant bit of the destination address is used to control the switch in the first stage. So आपको यहीं पर ही आपकी destination address के बारे में पता चल जाएगा। If the most significant bit is zero, अगर ज़्यादा उसके अंदर zero use हो रही हैं, the upper output is selected, अगर उसके अंदर ज़्यादा zero bits use हो रही हैं तो upper जो output होगी, ऊपर जो output आएगी वो select हो जाएगी। If it is one, लेट्स सपोज करते हैं अगर ये वन है, दी लोअर आउटपुट इज सिलेक्टेड, वही ना बात हो गई कि अगर जीरो है तो वो अपर आउटपुट को सिलेक्ट करेगा, अगर वन है तो वो लोअर आउटपुट को सिलेक्ट करेगा। दी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द डेस्टिनेशन एड्रेस इज यूज्ड टू सिलेक्ट द आउटपुट ऑफ द स्विच इन द स्टेज, इन द नेक्स्ट स्टेज जो भी इसकी आगे आगे, एंड सो ऑन फाइनली द फाइनल आउटपुट टू बी सिलेक्टेड। वही बात है ना, पैरेलल कंप्यूटिंग है, पैरेलल कंप्यूटिंग में मल्टीपल प्रोसेसर्स काम कर रहे हैं। अब जो मल्टीपल प्रोसेसर्स काम कर रहे हैं, हर किसी को शेयर्ड मेमोरी दी गई है, ठीक है। अब वो शेयर्ड मेमोरी जो है वो डिफरेंट नेटवर्क के लिए काम कर रहे हैं। वही आपने डिफरेंट टोपोलॉजीज क्यों पढ़ी है, डिफरेंट टोपोलॉजीज पढ़ने का मकसद ही यही होता है कि आप अपनी कम्युनिकेशन के लिए किस टाइप का सिनेरियो, फिजिकल स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है।
तो पैरेलल कंप्यूटिंग में ये चीज़ है, मैसेज पासिंग की ही बात कर रहे हैं तो, लेकिन मैसेज पासिंग में ये तरीकाकार है कि हर किसी अपनी लोकेशन के ऊपर पड़े हैं पीसीज और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं थ्रू मैसेज पासिंग। अब इंटरनेट वर्क कनेक्टेड है तो वो एक पीसी दूसरे पीसी के साथ जब बात कर रहा है तो वो यहाँ पे एक्चुअली मेमोरी को शेयर नहीं कर रहा, लेकिन अगर हम शेयर्ड मेमोरी के हिसाब से बात करते हैं तो मल्टी प्रोसेसर में ये चीज़ होती है कि हर सिस्टम का जो प्रोसेसर होता है, एक ही सिस्टम है, उसका जो डिफरेंट प्रोसेसर्स हैं वो हर किसी को शेयर्ड मेमोरी दी गई है। एक शेयर्ड मेमोरी, एक ही रैम है, उसकी मेमोरी को डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो वो सब एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन एंड पे जो आपको आउटपुट मिल रही होती है वो क्या होती है, आपकी सेम आउटपुट और फाइनल आउटपुट होती है। ऐसा नहीं होगा कि आपने हेलो हेलो को चलाया है, एच को एक प्रोसेसर में चला दिया, एल को दूसरे में चला दिया, तो ठीक है चला दिया। अब ऐसा नहीं होगा वो आपको पहले एच की आउटपुट दिखा देगा, ऐसा नहीं है, वो आपको पूरी की पूरी कंबाइन करके एंड पे फाइनलाइज आउटपुट शो करवाएगा। सो ओमेगा नेटवर्क इज हाईली ब्लॉकिंग थ्रू वन पाथ कैन ऑलवेज बी मेड फ्रॉम एनी इनपुट टू एनी आउटपुट इन अ फ्री नेटवर्क। सो मल्टी स्टेज इंटरनेट इंटरकनेक्शन नेटवर्क हैज़ अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री डेवलप टेलीफोन एक्सचेंज। सो ज़्यादा जो है ना मल्टी स्टेज आपके टेलीफोन नेटवर्क के लिए यूज़ होता है। स्टिल समटाइम्स यूज टू इंटरकनेक्टिंग कंप्यूटर्स और ग्रुप्स ऑफ कंप्यूटर फॉर रियली लार्ज सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल आस्की वाइट सुपर कंप्यूटर यूज इन ओमेगा मल्टी स्टेज इंटरकनेक्शन। जो आपके सुपर कंप्यूटर्स हैं उसकी जो कैटेगरी है आस्की, ठीक है, आस्की वाइट सुपर कंप्यूटर या नाम है उस कंप्यूटर का, उनको जब हम कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पर हमें ये इतना बड़ा लार्ज नेटवर्क रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। और ये इस बंदे ने डिवेलप किया है। सो कम्युनिकेशन मेथड है, कम्युनिकेशन मेथड में इसी के ही फर्जर आया, कम्युनिकेशन द आइडिया सिचुएशन इन पासिंग अ मैसेज फ्रॉम अ सोर्स टू डेस्टिनेशन नोड। अगर आप कम्युनिकेशन मेथड को यूज़ कर रहे हो तो बेटा ऐसे ही यूज़ करते हैं, एक होता है सेंडर, एक होता है डेस्टिनेशन, एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर, एक होता है सोर्स और दूसरा होता है डेस्टिनेशन। सो सेंडर का दूसरा नाम सोर्स है, सो रिसीवर का दूसरा नाम डेस्टिनेशन है। दैट्स लाइक आइडिया सिचुएशन इन पासिंग अ मैसेज फ्रॉम अ सोर्स नोड टू डेस्टिनेशन नोड अकर व्हेन देयर इज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन द सोर्स नोड एंड अ डेस्टिनेशन नोड, ठीक है। अब इस सिचुएशन में ये है कि आइडियल सिचुएशन वो तब होगी जब इनके दरमियान में डायरेक्ट लिंक क्रिएट होगा, ठीक है। इन मोस्ट सिस्टम एंड कंप्यूटेशन इज ऑफन नेसेसरी टू राउट अ मैसेज। हाँ जी भाई, आप एक्चुअली यहाँ पे वायरिंग सिस्टम नहीं है, आप लोगों ने डिवाइसेस को देखा हुआ है कि अगर ये एक सिस्टम है तो ये एक ये वाला दूसरा सिस्टम है, तो इसके साथ इसके पास आपकी जो डिवाइस है वो कौन सी डिवाइस कनेक्ट हो गई है, वो आपकी राउटर है, ठीक है। तो यहाँ पे राउटर क्या कर रही है, सेंडर टू रिसीवर कम्युनिकेशन के लिए हम इंटरमीडिएट डिवाइस ये यूज़ कर रहे हैं, क्लियर हो गया। यहाँ पे ये आइडियल सिचुएशन नहीं है, ये इंटरमीडिएट नोड यूज कर रहा है फ्रॉम द सोर्स नोड टू, ये है आपकी फ्रॉम सोर्स नोड, ये है आपकी डेस्टिनेशन नोड, लेकिन यहाँ पे इंटरमीडिएट डिवाइस जो है वो एज अ राउटर इसके अंदर यूज हो रही है। देयर आर टू बेसिक वेज दैट मैसेजेस कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है। यहाँ पे एज अ मैसेज जो है वो इंटरमीडिएट डिवाइस क्या करेगी, ट्रांसफर करेगी, जैसे कि सर्किट स्विचिंग हो गया एंड पैकेट स्विचिंग हो गया। तो ये नेटवर्किंग में आप लोगों ने इसको रीड किया हुआ। पैकेट स्विचिंग तो आपकी जो उसकी एग्जांपल है आपके इंटरनेट की, और सर्किट स्विचिंग आपके टेलीफोन की एग्जांपल है, तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये एक्चुअली कहाँ पे यूज होगा। हाँ जी, टू क्रॉस टू स्विच एलिमेंट्स ट्रेड थ्रू और क्रॉस ओवर कनेक्शन। अब यहाँ पे टू क्रॉस टू स्विचेस के देखिए कैसे लगे हुए हैं कनेक्शन। अगर ये वाला जो ये डिफरेंट आपके स्ट्रेट स्विचेस एलिमेंट्स लगे हुए हैं, ये इसके साथ अटैच हैं, ये आपकी इनपुट आ रही है, क्योंकि भाई जो सेंडर वाली साइड पर आपको शेयर हो रही है। अब वो डिपेंड करता है कि वो ये वाला जो डेटा है वो कौन सा प्रोसेसर यूज़ कर रहा है, या कौन सी स्विच यूज़ कर रहा है, या फिर कौन सा राउटर यूज़ कर रहा है, वो तो इसकी मर्जी है, या फिर आपकी कन्फिग्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसको कैसे सेट किया है, ठीक है। अब ये वाला इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। सो ये देखे ना, मल्टीपल राउटर, मल्टीपल जो राउटर्स हैं, मल्टीपल राउटर दूसरे के साथ कनेक्टेड होके अपने डाटे को शेयर कर रहे हैं। सो वो ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहा है और लास्ट वाला स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहा है। बाकी अगर वो बिजी होगा इन बिटवीन, ये वाला कोई भी बिजी होगा, तो वो क्या करेगा, अपनी कम्युनिकेशन को
किसी और के साथ रिलेट करके शेयर कर देगा। लाइक अब यहाँ पे ये इसके साथ अटैच थी, तो इसने क्या किया, उसको दूसरे का उसके साथ अटैच नहीं करेगा। वो ये क्या कर रहा है, ये इसने देखा कि दूसरा वाला फ्री है तो दूसरे के पास चला गया, इसने देखा तीसरा वाला फ्री है तो तीसरे के पास चला गया। अब जो तीसरा वाला है, चौथा वाला है, इसने देखा कि भाई ऊपर वाला फ्री हो गया होगा, इसके पास चला गया, क्योंकि ये आगे नेक्स्ट मूव होते जा रहे हैं। सो एक पास छोड़, एक स्विच को छोड़ के दूसरे स्विच के पास, एक प्रोसेसर को छोड़ के दूसरे प्रोसेसर के पास मूव होते जा रहे हैं, ठीक है। ये होता है आपका क्रॉस ओवर कनेक्शन, कि वो जो भी आपको फ्री देखेगा उसके साथ वो रिलेट हो जाएगा, इसको कहते हैं ओमेगा नेटवर्क। लेकिन एंड पे जो आपको आउटपुट शो होगी वो सेम लाइक एज वही होगी जो आपकी सेंटर की तरफ से होगी। बहुत आसान है, इस कॉन्सेप्ट को बस समझने की कोशिश कीजिए। हाँ जी, सर्कल स्विचेस इन्वॉल्व एस्टैब्लिशिंग द पाथ एंड मेंटेनिंग ऑल द लिंक्स इन द पाथ फॉर द मैसेज टू पास अनइंटरप्टेड फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन। सो इसने सर्कल स्विचिंग ने टोटल आवर पार्ट को मेंटेन करना है, जो भी लिंक्स उसके साथ अटैच है थ्रू मैसेज पासिंग, जैसे कि आपको मैंने बताया टेलीफोन एग्जाम्पल है इसकी, टेलीफोन कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है इसकी एग्जाम्पल है। अनटिल तब तक वो लिंक के अंदर अपना मैसेज रिजर्व रखेगा जब तक वो आपका मैसेज जो है वो कम्प्लीट ट्रांसफर ना हो जाए। आज सिंपल टेलीफोन सिस्टम नॉट यूजिंग एडवांस डिजिटल तकनीक, सिंपल टेलीफोन की बात करते हैं जिसके साथ वायर सिस्टम अटैच है, तो वो सर्कल स्विचिंग सिस्टम की एग्जाम्पल है। अभी मैंने पर भी आपको ये चीज बता दी है कि सर्कल स्विचिंग जो है वो टेलीफोन सिस्टम के लिए बेस्ट होती है। हाँ जी, अगर आप इसकी बात करते हैं पैकेट स्विचिंग की, द पैकेट स्विचिंग द मैसेज इज डिवाइडेड इनटू पैकेट्स। आपका जो पैकेट स्विचिंग है वो मैसेज को किस फॉर्म में डिवाइड कर देता है, वो पैकेट्स की फॉर्म में कर देता है। पैकेट्स की फॉर्म में उसकी इंफॉर्मेशन होती है, ईच ऑफ विच इंक्लूड्स द सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस फॉर द राउटिंग पैकेट थ्रू द इंटरकनेक्शन नेटवर्क एंड द डाटा। सो इंटरनेट आपका राउटर बेस काम करता है, और आपको पता है राउटर के अंदर एक राउटिंग टेबल होता है। जिन्होंने नेटवर्किंग अच्छे से पढ़ी होगी, डीपली समझ आई होगी, उसको तो पता चल ही गया होगा कि राउटिंग टेबल क्या है। जिसको नहीं समझ आ रही कि राउटिंग टेबल क्या होता है, राउटर, क्योंकि मैंने प्रॉपरली सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर राउटर की कन्फिग्रेशन करके दिखाई है, राउटर की कमांड्स करके दिखाई है, कि आप राउटर का टेबल देख सकते हैं, उसमें आपका सोर्स और डेस्टिनेशन का टोटली एड्रेस जो है वो पड़ा हुआ होता है। सो डेटा अगर 1000 तक बाइट्स तक है इसके अंदर जा सकता है, मैक्सिमम साइज फॉर द पैकेट इतना हो सकता है 1000 डेटा बाइट्स, और भी मैक्सिमाइज अगर करना चाहते हैं तो वो फिर ब्रोकन करेंगे सेपरेट पैकेट्स के अंदर, ठीक है। सो द मेल सिस्टम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द पैकेट स्विचिंग। ये देखें, इंटरनेट को यूज़ करते हुए हम मेल सिस्टम को यूज़ करें, इसलिए ये पैकेट स्विचिंग की बेस्ट एग्जाम्पल है। मेल बॉक्स में क्या होता है, लेटर आर मूव फ्रॉम मेल बॉक्स टू द पोस्ट ऑफिस। ऐसा ही होता है, जब हम मेल बॉक्स के जरिए मैसेज कर रहे थे वो पोस्ट ऑफिस को सेंड हो जाता है, फिर वो हैंडल करता है कोई भी इंटरमीडिएट साइट बिफोर बींग डिलीवर्ड द डेस्टिनेशन। सो आप जी मेल की एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, मेल बॉक्स हम शेयर करते हैं, वो मेल बॉक्स कहाँ पर जा रहा है, उसके बैकेंड सर्वर, मतलब उसका कोई पोस्ट ऑफिस होता है उसको हम मेल सर्वर का नाम देते हैं। सो उसने देखना है कि एक्चुअली स्विचिंग जो स्टोर और फॉरवर्ड पैकेट स्विचिंग है उस चीज को यूज करेगा, स्टोर एंड फॉरवर्ड, अपने अंदर स्टोर किया एंड देन मूव कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया, कि जिसका पैकेट होगा उसको क्या कर देगा, सेंड कर देगा। मैंने ईमेल आपको शेयर करनी है, आप इसे किसी एक बंदे को शेयर करनी है, मैंने आपकी ईमेल एड्रेस लिखा, उसमें मैसेज टाइप किया, मैंने सेंड कर दिया, मेरी तरफ से ओके हो गया। लेकिन अब अगले बंदे को मिली है या नहीं मिली, वो श्योरिटी हमें रिप्लाई के बेस पे मिलती है। लेकिन आप ये जो आगे जाएगी उससे पहले एक काम होता है, ठीक है, स्टोर एंड फॉरवर्ड। तो स्टोर होगा आपके कहीं ना कहीं पोस्ट ऑफिस, उसको इस सेंस में कहा गया है, जैसे हम पोस्ट ऑफिस के अंदर अपने डाक वगैरह को रखवा के आते हैं कि प्लीज़ ये इस बंदे को भिजवा दे, ठीक है, तो वो भिजवा देते हैं। इसी तरह आपके मेल बॉक्स भी ऐसे ही होते हैं, उसके अंदर जो डाटा हम रखते हैं वो किसी मेल सर्वर में जाता है, देखना होता है राउटर ने कि एक्चुअली कौन सा सेंडर है और इसने कौन सा रिसीवर मैंशन किया है, उसको वो क्या कर देगा, शेयर कर देगा। और ये हमें लगता है कि सेकेंड्स के अंदर काम हो रहा है, लेकिन इसके अंदर जो वर्किंग होती है वो बहुत ज्यादा होती है। सो समटाइम्स ऐसी सिचुएशन भी होती है जहाँ पे डेडलॉक अकर हो जाती है, बिकॉज एक आपका नेटवर्क है, डेडलॉक तब अकर होती है जब आपकी सारी सिचुएशंस
बिजी हो जाएं, ठीक है। आप डेड लोग देखा होगा, एक सेंटर में कार खड़ी कर ले और उसके इर्द गिर्द हम कारें वगैरह खड़ी करते रहे, ठीक है। अब वो डेड लोग अकर होता रहेगा, जब तक सबसे लास्ट वाला बंदा जो है वो शफल होना स्टार्ट नहीं होगा तब तक वो डेड लोग अकर रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह सिचुएशन होती है जब बहुत ज़्यादा पैकेट्स हो जाते हैं होल नेटवर्क के अंदर, तो प्रॉब्लम होती है आपकी डेड लॉक की अकर। कम्युनिकेशन नेटवर्क यूजिंग द स्टोर एंड फॉरवर्ड, ठीक है, उसको समटाइम्स समझ नहीं आ रही होती कि ये एक्चुअली डाटा किसकी तरफ जाना है, वो क्या करता है, पैकेट जो है वो सबको ब्रॉडकास्ट कर देता है। सो द फिजिकली लिंक और चैनल आर द एक्चुअल हार्डवेयर लिंक बिटवीन द नोड्स। अब मल्टीपल वर्चुअल चैनल्स आर एसोसिएटेड विद द फिजिकल लिंक, ऐसा ही होता है। हम यह नहीं कह सकते कि भाई फिजिकल लिंक तो है ही, लेकिन एक्चुअली वो वर्चुअली भी कहीं एग्जिस्ट कर रहा होता है। वर्चुअली क्या चीज़ होती है? वर्चुअली आपका फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, लेकिन हमें ये पता है कि वहाँ पे आपका डाटा पड़ा हुआ है। दिस इज़ अ लॉजिकल वे टू स्टोरेज, ठीक है। तो ये आपका डिस्टेंस है, ये आपको एग्जांपल दें नेटवर्क डिले करेक्टरिस्टिक्स की, कि नेटवर्क अगर डिले हो जाए, मतलब कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, जैसे कि डेडलॉक की बात कर रहे हैं हम, ये नेटवर्क लेटेंसी है। मतलब लेटेंसी मैंने आपको बताया था टोटल ओवरऑल टाइम है जो आपका सेंडर टू रिसीवर जो है, ठीक है, काउंट होगा कि कितना आपका पैकेट सेंड हुए, कितने उसमें प्रॉब्लम आई है, वो सारा टाइम जो है वो लेटेंसी काउंट करता है। सो ये आपका होल राउटिंग सर्किट स्विचिंग है टोटल लगाया हुआ, और ये इसके अंदर ऊपर जो है वो दिखा रहे हैं कि जो ऊपर वाली साइड पे हो रहा है लेटेंसी, ये आपकी पैकेट स्विचिंग हो रही है। पैकेट स्विचिंग आपकी है मेल बॉक्स हो गया, इंटरनेट हो गया, होल सर्किट स्विचिंग आपकी टेलीफोन हो गई, ठीक है। ये थ्रो ट्रेड फॉरवर्ड हो रही है। नंबर ऑफ नोड्स बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन, सो ये आपकी ये जो है ये है, ये मतलब आपकी नंबर ऑफ नोड्स रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है, कि आपकी सर्किट स्विचिंग के अंदर ये नंबर ऑफ नोड्स हैं, इसके अंदर पैकेट स्विचिंग के अंदर नंबर ऑफ नोड्स हैं, वो हर एक नोड से दूसरी नोड तक जाने में जितनी भी लेटेंसी होगी, जितना भी डिले होगा, उसको क्या करेगा, नोट आउट करेगा और अवॉइड करने की कोशिश करेगा कि इसको आपके डेड लॉक को। ये कौन करता है भाई? आपका पीसी करता है, आपका इंटरनेट ही करता है, आपका मेन सर्वर ही करेगा। मल्टीपल वर्चुअल चैनल मैप्ड ऑन अ सिंगल फिजिकल चैनल, अब आपका ये वाला जो व्यू है ये वर्चुअल व्यू है, ये वाला जो व्यू है वो आपका फिजिकल, देख लेते हैं इसकी चीज़ को कैसे करेगा। फिजिकल वर्चुअल चैनल बफरिंग ये हो रही है, ये डिफरेंट नोड्स लगी हुई हैं, ठीक है। नोड्स आपका सिस्टम भी हो सकता है, आपका पीसी भी हो सकता है, आपके जो स्विचेज है राउटर्स हैं वो भी हो सकते हैं। और फिजिकल लिंक का आपको पता है कि वो ये चीज़ होती है, ये भी वर्चुअल है, ठीक है, ये भी वर्चुअल नोड है, ये भी वर्चुअल नोड है। ये जो कनेक्ट हो रही है वर्चुअल टू वर्चुअल, ये आपका फिजिकल लिंक है, मतलब कोई ना कोई वायर सिस्टम है या फिर राउटर जो डिवाइस है वो लगी हुई है एक नोड वर्चुअल से दूसरी नोड वर्चुअल तक। ओके, ये था भैया आप लोगों का लेक्चर, होप सो समझ आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन होगी तो प्लीज आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, हमने बस एक फ्लो पढ़ा है कि मैसेज पासिंग सिस्टम के अंदर आप एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो उसमें हम उसको कैसे यूज़ करते हैं, वो मैंने आपको बताया कि हम ट्री नेटवर्क को यूज़ करते हैं, मैश को यूज़ करते हैं, हाइपर क्यूब्स को यूज़ करते हैं, हाइपर क्यूब्स हो गया, ट्री नेटवर्क हो गया, मल्टी स्टेज इंटरकनेक्शन नेटवर्क हो गया। सो ये आप लोगों का था, होप सो समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।